आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। इसी के साथ साथ अभी जो हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी इससे पहले हम लोगों ने विटामिन थेरेपी बॉडी वॉश यूज किया, डिस्कस किया, उसके बाद में हम लोग विटामिन थेरेपी मॉइस्चराइजिंग सोप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जब सोप यूज करते हैं, मार्केट में अगर कोई भी सोप अवेलेबल हो, हम खरीद के लाते हैं, उसका यूज करते हैं और हम सीधे काम पे निकल जाते हैं। जब शाम को हम आते हैं तो बहुत बार रैशेस या स्किन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि रैशेस हो गए हैं या स्किन इन्फेक्शन हो गया है या कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या फंगल इन्फेक्शन कहीं पे हमारे स्किन पे हुआ है। तो ये क्यों होता है? मेरा हाइजीन अच्छा है, मैं महंगा साबुन यूज करता हूँ, ठीक है, मैं बड़ी कंपनी का साबुन यूज करता हूँ, या मैं किसी का, जो कोई हीरो हीरोइन अगर कुछ करते हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस दिखाते हैं, वो साबुन यूज करता हूं, मेरा टॉवेल अच्छा है, मेरा बाथरूम हाइजेनिक है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाइजेनिक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे फंगल इन्फेक्शन कराएगी या मुझे रैशेस हो जाएंगे, फिर भी क्यों ये सारा? तो हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम जो साबुन मार्केट में का यूज कर रहे हैं उसका पीएच होता है 10। अगर मैं 10 पीएच की सोप मेरी स्किन पे अप्लाई करता हूं तो मेरा बॉडी पीएच भी 10 की तरह बढ़ने लगता है, और अगर मेरे बॉडी का पीएच 10 हो जाए तो जो नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है या बाहर से आने वाले जो बैक्टीरियाज है वो मेरे बॉडी पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं या कस्टमर की बॉडी पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। हम लोगों का जो साबुन है, सबसे पहले तो पीएच बैलेंस, ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये कभी भी क्लाइंट स्किन, कस्टमर स्किन, अगर मैं भी यूज करता हूँ, कोई भी यूज करता है, तो उसके स्किन पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन या रैशेस नहीं होने देगा, क्योंकि हम लोगों ने इस साबुन में टी ट्री ऑयल ऐड करके रखा है जो खुद में एक एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। उसके साथ साथ इसमें एलोवेरा है जो आपकी बॉडी को ड्राई नहीं होने देगा, रैशेस नहीं आने देगा। प्लस इसमें जो वॉलनट स्क्रब है, देखिए हम लोग, हम में से बहुत से लोग जो है वो घर पे भी फेस स्क्रब करते हैं या पार्लर जाके फेस स्क्रब करवा के, फुल बॉडी स्क्रब कोई नहीं करता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो बॉडी है उसका जो साइकिल है सेल रिन्यू होने का, उसमें हमारी सारी बॉडी पे भी डेड सेल पड़े होते हैं, उनको क्लीन करना जरूरी है। अगर हम उसको स्क्रबिंग सोप से क्लीन करते हैं तो यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और ये हमारी सोप का यूनिक सेलिंग पॉइंट है।